इट मेक्स मी फील वेरी इम्पॉर्टेंट, इट मेक्स मी फील वेरी आई डोंट नो. हाँ, पर वो कैरेक्टर में आपको आने के लिए डेफिनेटली हेल्प्स अगर आप वर्दी में हो, बिकॉज वी रियली लुक अप टू आर मैन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज. बोलते हैं ना, मेरी औकात इतनी नहीं थी कि आई इवन थॉट कि आई डोंट नो इफ आई गेट अ फिल्म दैट वुड बी you know having me in a role that I can showcase all of this and all. Ada bahut gandi lag rahi hai, heroine nahi lag rahi hai isme. So I was like, why? I thought it's very nice because maine apni khidki ke samne video liya soch samajh ke. Real life also anyway main dikhati nahi hu emotions, to mere andar bahut hai. So to get out for camera I find it easier. Hello everyone, I am Anj Bhayana and welcome to Instant Bollywood, and today we have a very beautiful guest with us, Ada Sharma. It's a pleasure to have you here. Thank you so much. And अभी हमने trailer देखा और उसमें हमने देखा कि आप हमें uniform में दिखे हो, starting with the questions कि वो experience कैसा था wearing that uniform? Does it give a sense of responsibility to the character? How was it? Yeah, it does feel, you feel very responsible. It also makes me feel कि मैं कोई और हूँ, because मैं वो real life में ऐसे हूँ नहीं. It makes me feel very important. It makes me feel very I don't know. हाँ, पर वो character में आपको आने के लिए definitely helps अगर आप वर्दी में हो, because we really look up to our men from the armed forces. Women over there also who I met, our CRPF jawans, people who are laying their life down for our country. So if I can from my small way contribute, feels very nice. Of course. Past में आपने विपुल सर के साथ भी काम किए हैं, सुदीप्तो सर के साथ भी काम किए for Kerala Story. So what is their thought process in shooting a movie like this? They pretty much stick to facts and they do their homework before, so that जब वो set पे आ रहे हैं तो तब set पे कोई confusions नहीं रहते. Everyone knows कि वो क्या कर रहे हैं, everyone knows कि अपने dialogues क्या है, character क्या है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना. वी डन आर वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग. तो सेट पे द वाइब इज़ वेरी रिलैक्स्ड एंड नाइस एंड कंफर्टेबल, बिकॉज इवन अगर हम स्ट्रेसफुल सीन्स शूट कर रहे हैं तो हम सेट पे ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस्ड है. आई रियली लाइक दैट, बिकॉज देन आई फील कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकती हूँ. ट्रू ट्रू ट्रू. एंड केरला स्टोरी ऑल्सो डिड गुड एट द बॉक्स ऑफिस, राइट? एंड तो आपकी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से क्या रहेगी? थी जब केरला स्टोरी कर रही थी, आई नेवर न्यू इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी द हाईएस्ट फीमेल ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम. वो यू डोंट थिंक ऑफ, आई डोंट इवन थिंक कि वो बोलते हैं ना, मेरी औकात इतनी नहीं थी कि आई इवन थॉट कि आई डोंट नो इफ आई गेट अ फिल्म दैट वुड बी यू नो हैविंग मी इन अ रोल दैट आई कैन शोकेस ऑल ऑफ दिस एंड ऑल. तो नो, आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस देन. बट जो लोगों ने इतना प्यार दिया है, जो लोगों ने, पीपल स्पीक ऑफ बॉक्स ऑफिस फिगर्स एंड दो थिंग्स, आई लुक एट इट एज इफ दैट्स द बॉक्स ऑफिस फिगर, दैट मीन्स इतने लोग गए फिल्म देखने के लिए. एंड सो मेनी पीपल गिव अस परमानेंट स्पेस इन देयर हार्ट्स. सो आई होप दे एन्जॉय बस्टर. आई होप दे फील लाइक द फिल्म इमोशनली टच देम और give us place in their hearts too. जैसे आपने बोला कि बहुत ज़्यादा प्यार मिला केरला स्टोरी के बाद, तो हाउ डज योर लाइफ चेंज? कुछ चेंजेस आए आपके आपके ऊपर जैसे केरला स्टोरी करने के बाद, कि लाइफ बदली किसी एंगल से? नहीं, लाइफ एक्चुअली वैसे सेम है एंड आई एम ग्लैड, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ मुझे बहुत पसंद है. आई एम अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन टू हैव अ वेरी गुड पर्सनल लाइफ. आई हैव अ सेट ऑफ वेरी नाइस पीपल अराउंड मी हु आर स्टिल देयर. तो वो सेम है. ऑफकोर्स आई एम मोर नोन बिकॉज वो एक हाउस होल्ड नेम मैं हो गई केरला स्टोरी के बाद. सो दैट फील्स वेरी नाइस बिकॉज आप ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हो. बट आई टेल यू एक्चुअली वेरी समथिंग वेरी फनी दैट हैपेंड टू डेज बैक ओनली. एंड आई थॉट नाउ बिकॉज आई एम केरला स्टोरी की हीरोइन दिस शुड नॉट हैपन, बट इट हैपेंड. वी वर गोइंग, आई हैव टू गो फॉर एन इवेंट. तो वो इवेंट आप जाते हो तो आप वो बाइट बनाते हो ना कि हाय आई एम अदा शर्मा एंड आई एम कमिंग टू सो एंड सो इवेंट ऑन सो एंड सो डेट. ये फिल्म प्रमोशन के रिगार्डिंग नहीं था, एक सेपरेट इवेंट था. इवेंट था सस्टेनेबिलिटी पे, लाइक आई एम गोइंग टू हेल्प द प्लैनेट वाला वो. हाँ, अवेयरनेस अबाउट दैट वॉज व्हाट द इवेंट वॉज फॉर. तो मैंने अपना बाइट रिकॉर्ड किया और अपने मैनेजर को भेज दिया. तो उन्होंने उनको भेज दिया, तो उनसे रिप्लाई आया जो मेरी मैनेजर ने मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजा. दे सेड अदा बहुत गंदी लग रही है, हीरोइन नहीं लग रही है इसमें. सो आई वाज लाइक, भाई आई थॉट इट्स वेरी नाइस बिकॉज मैंने अपनी खिड़की के सामने वीडियो लिया सोच समझ के, कि पीछे वो जो बर्ड फीडर है मेरे घर पे, वो बर्ड फीडर भी लाइक पीपल शुड सी, यू नो, सी माय ब्यूटीफुल बर्ड फीडर जो हैंडमेड है बाय द वे. एस्थेटिक बैकग्राउंड. हाँ, एंड मैंने अच्छे से, मैं नहा के गीले बाल मैंने टाई कर दिए ताकि यू नो नेचुरल, एकदम नेचुरल नॉर्मल मैं लगूँ जैसे अदा रियली लगती है बिना मेकअप का. एंड आई थॉट मैं मेकअप के बिना भी ठीक लगती हूँ, पर उनको लगा दे सर हीरोइन नहीं लग रही है.
So, and my manager, thank God, she's on my side. She said, I don't know, I don't think we should send them another. But then that man kept calling her and saying ki hame ye bite bhejna hai government officials ko bhi. And you know, bahut bade. So I said, but they'll be very happy to see that I'm without makeup. And we're talking raw about help saving the planet. Yeah. So shouldn't you see me without makeup also? Wouldn't that be nice? But they said nahin. So then I gave another video. I thought maybe background curtain वर्टन दिख रहा था, तो मैंने वापस से वीडियो बना के भेजा जहाँ मैंने लिपस्टिक थोड़ा लगाया था एंड बाल ब्लो ड्राई करके बांधे थे. ओके, उनको वापस पसंद नहीं आया वो बाइट, बिकॉज ही सेड हीरोइन लगना चाहिए जब भी भेज रहे. देन उन्होंने मुझे रेफरेंस भेजा दो हीरोइंस के और एक हीरोइन का, जिसमें वो सनग्लासेस पहन रही थी जो ब्रांडेड थे. एंड आई नो कि वो ब्रांड एनिमल्स को सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज दैट ब्रांड सपोर्ट्स एनिमल क्रुएल्टी. सो दैट एंड देन ही सेंड मी अनदर ऑफ एन एक्टर जो ग्लासेस पहन के अपनी गाड़ी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. बट आई थॉट इफ यू आर सपोर्टिंग द ग्रीन प्लैनेट जहाँ पे यू शुड, आई यूज अ कार एंड आई डोंट, बट दैट्स द बैड थिंग वी डू. आई वुड लाइक टू गो साइकिलिंग एवरीवेयर, आई डोंट डू इट, बट आई वोंट, आई थॉट इट वाज रॉन्ग टू यूज. ऑल्सो मैंने पूरा रट्टा करके वो पूरा बाइट बनाया था, बिकॉज आई सेड वेयरिंग चश्मा एंड रीडिंग वुड बी चीटिंग. सो आई सेड नो नो नो, आई लर्न दिस बाय हार्ट एंड डू. बट दैट्स व्हाट आई थॉट कि नाउ केरला स्टोरी की हीरोइन दे शुड दिस थिंग, बट नो, दे सेड वो बहुत गंदी लग रही है, हीरोइन नहीं लग रही है, और कुछ सनग्लासेस लिपस्टिक और बाल बना के वीडियो बाइट भेजो, जो मैंने अभी तक एक्चुअली नहीं भेजा, बिकॉज आई डोंट थिंक राइट है. आई डोंट नो, अगर वुड यू, इज इट राइट टू डू और नॉट, आई डोंट नो, फॉर सस्टेनेबल ग्रीन दिस थिंग, आई थॉट इट्स नॉट राइट टू गिव विद फुल मेकअप. आर्टिस्ट के लिए एक वो होना चाहिए इम्प्रोवाइज करने के लिए थोड़ा सा, कि जैसे है ना, एज माई सेल्फ, सी एज अ कैरेक्टर मैं कभी नहीं बोलती लाइक ये फिल्म के लिए एंड ऑल, व्हेन यू से दिस इज अ लुक मैं स्टिक करती हूँ, बट रियल लाइफ में आई थॉट सही नहीं था. आई बिलीव मिसकंसेप्शंस भी होते हैं कि अगर हीरोइन लुक है तो वैसे ही होना चाहिए, जैसे हाँ, ना, के लाइन में उधर रिच लुक होना चाहिए. हाँ हाँ हाँ, सो दे हैड दैट डिस्टिंक्ट फॉर, सो ये पहली बार हुआ एक्चुअली, एंड ये केरला स्टोरी के बाद हुआ, सो मे बी आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इनफ. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मूवीज लाइक दिस ना बहुत जल्दी कॉन्ट्रोवर्सीज में आती है, तो इस मूवी के बाद आपको क्या लगता है कि इस मूवी के भी चर्चे होने वाले हैं मूवी के बाद, या कुछ ऐसी बातचीत होगी? अभी ट्रेलर तो अभी आया है, इट्स जस्ट बिन वन डे, आई थिंक एग्जैक्टली 24 आवर्स, सो पता चल जाएगा हम सबको, आपको मुझसे पहले शायद. बट आई डोंट थिंक देर शुड बी एनी कॉन्ट्रोवर्सी फॉर दिस. अभी क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता है? बट मैंने केरला स्टोरी के लिए भी ऐसे सोचा था, सो आई डोंट नो, आई होप नॉट, आई डोंट थिंक सो. Yeah, I hope not, and I hope सबको controversy के बगैर भी अच्छी लगे. I think a controversy cannot चला वो movie जो prove हो चुका है, because Kerala story के बाद काफ़ी और releases आ गए थे जहाँ पे controversy थी बहुत बड़ी, Kerala story से भी बड़ी, पर वो नहीं चली box office पे. तो I think a controversy having it is not the sure shot to having a film being a hit. So I would not like any controversy बिना उसका, please film खुशी-खुशी देख लो. खुशी-खुशी देख लो. ट्रेलर में हमने देखा कि मतलब काफ़ी इंटेंस आउटडोर शूट हुआ, बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत बड़ी क्रू थी, एंड ऊपर से आप यूनिफॉर्म में थे, तो कितना मुश्किल था उस कैरेक्टर में घुसना और उस सेट में घुसना? या एक्सटर्नली जब आप वो मेकअप में हो, एंड मेरा मेकअप बहुत कमाल का श्याम दादा ने किया है, यू सी वो फेस पे, एंड वो वर्दी आप पहने हो, आप वो 6-8 किलो के गन्स आप पकड़ रहे हो, तो आप वैसे एक्सटर्नली तो फील करते हो. एंड हम लोग ने मेहनत की कि वो अदा नहीं लगे, लाइक सुदीप तो सर, विपुल सर हर शॉट देखते थे, एंड इवन सम शॉट जहाँ यू नो इवन यूनिट में यू कैन टेल ना, अगर आपने अच्छा शॉट दिया तो लोग आसपास थोड़े हाँ हो जाते हैं, बट एक दो शॉट जब ऐसे हुआ देवर लाइक वील टेक वन मोर, बिकॉज वो थोड़ा अदा लग रही थी उसमें, सो दैट आई हैड रियली नाइस पीपल गाइडिंग मी. बहुत लोग हैं इस फिल्म में, बहुत बड़ी कास्ट है, लाइक इन वन मैं एक माउंटेन के नीचे उतर रही हूँ, माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं हम लोग, और मेरे पीछे जो हमारे जवान्स हैं 40 पीपल वर विद अस एट ऑल टाइम्स, सो इट्स अ बिग, हम लोग नदी पार कर रहे हैं ऑन फुट एंड ऑल, तो या इट्स अ बिग कास्ट एंड बिग क्रू. एंड आपने एक बहुत ही पॉपुलर मूवी करी थी, हॉरर मूवी 1920, तो आर यू प्लानिंग टू बाउंस बैक टू दैट जॉनर? आई लव हॉरर एंड आई वुड लव टू डू अ हॉरर मूवी, बट आई फील कि अगर मैं हॉरर कर रही हूँ तो वो 1920 से और भी या कुछ और होना चाहिए, या कुछ ये आई फील द सेम, या लोगों को डिसअपॉइंट करके नहीं करूँ, बिकॉज आई नो 1920 के बहुत फैंस हैं, मुझे भी वो मूवी बहुत अच्छे से बनाई गई थी, एवरीथिंग वॉज नाइस अबाउट द हॉरर, दैट हाउस, वो घर, लीजा ऑलमोस्ट ये बन गई, व्हेन व्हेन आई टू वॉक अराउंड ऑन द रोड पीपल यूज टू थिंक आई वॉज लीजा, सो आई थिंक दैट्स सो क्लोज टू पीपल, सो आई फील कि अगर हॉरर करूँ तो इट शुड
take that little further. I would love to do 2020 maybe. The horror could be COVID. आपने जैसे भी बात करी कि कुछ और करो तो बहुत कुछ आपने ट्राई किया भी, आपने हॉरर भी किया, मर्डर मिस्ट्री भी अभी हमें देखने को मिली, कॉमेडी के साथ सनफ्लावर, बिल्कुल. और कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड कॉमेडी भी देख लिया, मर्डर मिस्ट्री भी देख लिया, हॉरर भी देख लिया, इंटेंस में तो आप यूजुअली काम कर ही रहे हैं. हाउ डू यू हेल्प योरसेल्फ टू यू नो स्विच दैट ज़ोन्स और स्विच दैट कैरेक्टर्स, की फनी फनी के बाद कॉमेडी या फिर मिस्ट्री या फिर इंटेंस? या आई डोंट नो, आई एंजॉय डूइंग इट. आई थिंक आई लव इट सो मच कि अगर आप किसी चीज़ से आप इतना प्यार करो ना तो फिर वो ईजिली हो जाता है, आई फील लाइक. या वो एफर्ट जो लगता है वो आपको एफर्ट नहीं लगता है बिकॉज आप इतना प्यार करते हो. एंड आई रियली लव एक्टिंग एंड आई रियली लव डूइंग दिस. आई फील कि मैं अपना ड्रीम जी रही हूँ. कितने लड़कियों का ड्रीम मैं जी रही हूँ, मुझे मौका मिला है. सो दैट गेटिंग इन एंड आउट ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल, आई रियली लाइक टू डू, आई लिव फॉर दैट. कैसे कैरेक्टर मिले वो मुझे अभी तक नहीं पता है. वो मत पूछो. टैलेंट ऑफ कोर्स. Yeah, but then you should hope your, you know, luck shines upon you. Or I don't know how. Like people ask me how to get a role like Kerala Story. I said, how to get? I don't know. After getting, what to do? Then give your life and do everything. But no, I love to, yeah. And I'm lucky who gets in 1 month. Abhi Kerala released on 15th of or 16th of Feb. Then Sunflower released 1st March and now this is 15th March. There are three really different roles, I think, from a bar dancer to an IPS officer. Exactly. And the audience is very encouraging and very, they buy everything I do. I really like that. Nobody doubts it or says, isko kyun liya isme, ever. So that's what the coolest thing is. Then I'm allowed to do and then people are allowed to cast me also. So. ओके. बट जैसे आपने बोला, जैसे आप बहुत सारे इंटेंस शूट भी करते हो, जैसे आप एक इमोशनल शॉट अभी करके निकले, इंटेंस शॉट करके आप अभी निकले, तो हाउ डू यू अनविन दैट एयर, उस कैरेक्टर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है? कि जैसे आपने बहुत इमोशनल शॉट अभी दिया तो कितना मुश्किल होता है वहाँ से बाहर निकलना? नहीं, वो मुश्किल तो है, आई थिंक दैट कम्स विद द जॉब नो. एग्जैक्टली. वो तो हमारे माइंड्स में, आई थिंक हर एक्टर के माइंड में हम थोड़े मेस्ड अप तो है बिकॉज ऑल दोज पेंट अप फीलिंग्स, ऑल वो सब ऑलवेज है एंड वो रहेगा ही. हाउ डू यू टोटली गेट आउट, आई डोंट नो. एंड शुड यू गेट आउट ऑल्सो, आई डोंट नो. बिकॉज सम इमोशंस एंड सम फीलिंग्स अगर आपने फील किए हैं तो वो एकदम एरेज करना अगर आप कर रहे हो तो आप मतलब बहुत बड़े लेवल के साइको हो अगर आप एकदम, है ना. आई डोंट नो. मैं तो नहीं पूरी तरह से ऐसे मतलब 1920 का भूत मेरे अंदर नहीं है, नॉट लाइक दैट. बट आई थिंक हाँ, टफ है टोटली गेटिंग आउट. इज आई एम नॉट अ रोबोट कि मैं हंस रही हूँ और फिर मैं वो स्क्रीन पे कर सकते हैं, बट इन रियल लाइफ. डू यू बिलीव कि वो इमोशन कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है ऑफ कैमरा भी? डेफिनेटली. एंड रियल लाइफ ऑल्सो एनी वे मैं दिखाती नहीं हूँ इमोशंस, तो मेरे अंदर बहुत है. So to get out for camera, I find it easier. So lastly, आप क्या कहोगे अपनी audience को, fans को, जो लोग आपसे प्यार करते हैं इस movie के बारे में, camera में आप बोल सकते हो? I hope आपको बस्तर अच्छी लगेगी. जिन्होंने Kerala Story देखी, जिनको अच्छी लगी, please watch बस्तर. The same team and we are exposing another truth. And जिनको Kerala Story अच्छी नहीं लगी वो भी देखो, because Kerala Story is बहुत अलग अलग film है ये, और मेरा character भी बहुत अलग है. So please watch it and tell me what you think. Thank you so much for your time and very all the best for the movie. Thank you so much. Hi, this is Ada Sharma. Like, share and subscribe to Instant Bollywood.